कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? इस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करे ऐसी प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। हमने चार टाइप के पढ़ने हैं, तीन हम पढ़ा चुके, फोर्थ वन अब आज पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड ए प्रेशर क्रिएटेड बाय द ऑस्मोसिस इज इक्वल टू इज कॉल्ड एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको पढ़ना है, इसको पाई से डिनोट करते हैं। होता क्या है ये ऑस्मोसिस, आप इस समझिए। हमने अचार बनाना है तो अचार बनाने के लिए हम केरी लेके आए, केरी में खूब पानी होता है, पर जब हम अचार बनाते हैं उस समय उसमें पानी कम होता है। किया क्या आपने, जो अचार लाए या नींबू लाए या कुछ भी मटेरियल लाए, गोंदा लाए, उसको आपने या तो डाला नमक के जो होते हैं ना, जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो आप जो सादा नमक आता है उसमें डालते हैं। होता क्या है, जब नमक होता है उसका कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा, मतलब वो सॉल्यूशन बनाएगा और वो कंसंट्रेट होगा, पानी का कम होगा तो अंदर से पानी को बाहर खींचेगा। ठीक है, बाहर सॉल्यूशन, जो साल्ट का सॉल्यूशन है उसमें पानी कंसंट्रेशन कम, नींबू या आपकी केरी या गोंदा उसमें पानी ज्यादा तो पानी बाहर निकलता है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी को हम समझाने के लिए आज मैंने दो पिक्स बनाई है। ऐसे आप देखिए कि आप जब आपने किशमिश लिया, अंगूर से किशमिश बनाया, ये भी ऑस्मोसिस है। इसमें किया क्या आपने, नहीं, अंगूर से जो पानी आपने निकाला डिहाइड्रेशन है, पर जो किशमिश को आपने फुलाकर वापस अंगूर जैसा शेप किया वो ऑस्मोसिस है। हुआ क्या, देखिए आप, मैंने एक पॉट लिया, इसके अंदर पानी भरा, ठीक है, अंदर मैंने एक ये शेप, ये ग्लास का ट्यूब है, इसको इस ट्यूब का शेप यहां तक है। इसके बाद में यहां मैंने क्या किया, एक मैंने एक मेम्ब्रेन लगाई है, उसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब परमिशन देगी कुछ ही किसको, सेमी मतलब किसी को परमिशन देगी किसी को नहीं देगी, सेमी परमिएबल। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ सॉल्यूशन है, कौन सा लिया हमने, शुगर सॉल्यूशन लिया, मतलब पानी का कंसंट्रेशन कम है, चासनी इसको बोलते हैं, चासनी में पानी कम होगा क्या कि बाहर सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा अंदर कम, तो ये चाहता है सोल्यूट के अंदर जाके हम कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर कर दें। तो सोल्यूट अंदर की तरफ मूव करता है, कब तक मूव करता है, जब तक कि कंसंट्रेशन बाहर और अंदर मॉलिक्यूल्स की इक्वल ना हो जाए। तो पानी जब अंदर जाने लगेगा तो ये जो लेवल पहले यहीं तक का था शुगर सॉल्यूशन, अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कहां तक मूव करेगा, ए साइड तक। तो बोले कि जो ए साइड तक मूव किया और इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और जी पे डिपेंड करेगा, इन तीनों के को अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक गेन करेंगे, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने कहा कि सोल्यूट को नहीं किया, कि सोल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़े पार्टिकल है वो सेमी परमिएबल से नहीं निकल पाएंगे, जैसे मैं इधर समझाता हूं आपको। तो हुआ क्या, इधर देखिए लेवल ऑफ द सोल्यूशन राइज किया, ठीक है, इन द फिशर फनल, इस फनल का नाम है, ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ द सोलवेंट। यहां भी सोलवेंट लिखा है, हर जगह सोलवेंट आएगा, यही इंपॉर्टेंट बात, हम बता रहे सोल्यूट को नहीं किया। ये देखिए, ये एक सेमी परमिएबल, एक ग्लास का है, जार डबल जार है, इस तरह से कनेक्ट है, इसको आपने सेमी परमिएबल मेंबर से जोड़ा। सेमी परमिएबल मेंबर इस तरह की होती है, जिसके अंदर ये तो है ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज ब्लॉकेज ब्लॉकेज, इसके अंदर ये पोर्स है, इसको बोलते हैं पोर्स या होल्स। इस होल्स में से कौन जा सकता है, जिसका डायमीटर इस होल से छोटा हो। तो होता क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है, वो आराम से इसमें से मूव कर जाएगा, इधर से इधर मूव कर जाएगा। सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है बड़ा, बहुत बड़ा होगा, इससे बड़ा है, ये होल है, होल से बड़ा ये, अब कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूट कभी नहीं निकल पाएगा क्योंकि पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात है, ये इधर से इधर नहीं आ पाया, ये इधर से इधर जा पाएगा, होगा क्या, ये इधर से इधर आएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है वो इस तरीके से मूव करेगा, मूव करता करता कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आप समझ रहे होंगे ये बात को, ये जो है ये ऊपर आ गया, यहां पर पहले वन एटमोस्फियर, तो यहाँ वन एटमोस्फियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पिस्टन बराबर, जब इधर से इधर आया वॉल्यूम बढ़ा, उस केस में ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये प्रेशर लगा तो कितना लगा, हम कैसे कैलकुलेट करें, तो आप क्या करोगे, यहां से एक प्रेशर लगाओगे,
वन एटमोस्फियर प्रेशर पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा, पर आपने एक्स्ट्रा क्या लगाया, पाई एक्स्ट्रा लगाया, यही पाई क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। समझ रहे होंगे आप कि आपने जो एक्स्ट्रा लगाया है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि इसके लगने के बाद ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, मॉलिक्यूल इधर से इधर आना बंद हो जाएंगे, मतलब ऐसा प्रेशर जिसके कारण से ऑस्मोसिस बंद हो जाए उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपने कैसे पता पड़ा, जैसे आपने प्रेशर लगाया उसके बाद आपने लगाया कि देखो सोल्यूट, सोल्वेंट के पार्टिकल आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्यों, एक इस प्रेशर के बराबर आपने प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोसिस का जो प्रेशर था उसके बराबर आपने प्रेशर लगाया, दोनों प्रेशर बराबर हो गया, मूवमेंट ऑफ द सोल्वेंट पार्टिकल बंद हो गए। अब आप समझ गए होंगे सोल्वेंट का पार्टिकल मूव करेगा क्योंकि छोटा है, क्यों करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल करनी है, ठीक है, आईसो, ठीक है ना। अगली बार इसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखो आपने पीवीएनआरटी देखा था, गैस गैस में हमने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ते थे पीवी इक्वल टू एनआरटी, वैसा ही ये एनआरटी की जगह हमने लिख दिया सीआरटी, सी भी कंसंट्रेशन है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, या सी कंसंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। जब सी कंसंट्रेशन को उसको आप ऐसे लिख सकते हो मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन को खोल के ऐसे लिखा जा सकता है, आरटी आरटी की तरह, ये किसके इक्वल होगा, इसको जो नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, हम हर जगह फ्री वाला पार्ट ले रहे हैं, सोल्यूट वाला पार्ट ले रहे हैं, इसको जब आपने खोला तो ये डब्ल्यू बी मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, और आरटी तो आरटी और बीवी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से भी फिर आपको वही चीज आपको बताया गया कि देखो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये कोरिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां तक और एसवीएम बना कैसे सकते हैं, तो ये देखना पिक का जो ब्लेडर आता है उससे अच्छी बनती है, नहीं तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन, नहीं तो ये सिंथेटिक सेलोफेन भी आती है, एक हम इनऑर्गेनिक से भी बनाते हैं सीयू टू एफिशिएंसी, ठीक है, जो कॉपर का होता है फेरोसाइनाइड, इस कारण से आप ये एसपीएम बनाया जा सकता है, और एसपीएम बनाकर आप इस तरीके से मूवमेंट करवा के आप ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बता सकते हैं।